गढ़वा में उत्तर प्रदेश में बेची गई गढ़वा की महिला को पुलिस ने बरामद कर लिया है। ट्विटर के जरिए इस मामले को संज्ञान में लाया गया था। मामला सीएम हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान में लिया था और फिर पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गढ़वा की महिला को यूपी से बरामद किया। दिनांक 22/8/2020 को ट्विटर के माध्यम से गढ़वा पुलिस को एक मामला संज्ञान में लाया गया था, जिसमें सीताराम मिस्त्री के द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी को ससुराल वालों द्वारा किसी अन्य के हाथों बेच दिया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया और आवेदक के बयान पर मामला दर्ज करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला और अजमेर जिला से में कार्रवाई करते हुए अपहृता की बरामदगी करते हुए दोनों की गिरफ्तारी की गई। महिला को उसकी फुफेरी बहन ममता देवी के द्वारा बेचा गया था और उसको खरीदने वाला व्यक्ति जयपाल विश्वकर्मा था।